जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हम फैसला दें, इससे अच्छा है आप लोग आपस में बैठ करके, मिल बैठ करके इस बारे में तय कर लीजिए, वो ज़्यादा शोभायमान होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हिंदू पक्षकार, हम लोग पक्षकार थे इसीलिए हम भी सम्मिलित थे उसमें हमारी समिति की ओर से, और मुस्लिम पक्षकार जितने भी थे वो और उनके अधिवक्तागण वो सम्मिलित होते थे, कई बार हम लोग बैठे। और सच बात यह है कि बैठने का फायदा हुआ, लाभ हुआ। लाभ क्या हुआ कि मुस्लिम पक्ष को ये बात समझ में आई कि लड़ने का कोई फायदा नहीं है, और इसीलिए फैसला आने के पहले, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके आने के पहले हम लोगों ने एक समझौता किया सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के साथ। और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष थे उस समय के, सीतापुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले जफर फारूकी साहब, उन्होंने उस पर हस्ताक्षर किए। और वो उन्होंने उस में कहा कि ये नाम बाबरी मस्जिद नाम की जो वस्तु है उससे हम जो भी अभी दावे कर रहे थे वो सब दावा वापस लेते हैं। और ये समझौता हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया। इस समझौते के बाद 5-0 से फैसला आया। अगर ये समझौता नहीं होता तो ऐसी वर्डिक्ट ना आती 5-0 की। चूँकि मुस्लिम पक्ष ने दावा ही छोड़ दिया था इसलिए फिर किसी भी को कुछ कहने का अधिकार नहीं रह गया था जजेस को, इसलिए उन्होंने 5-0 से फिर एक पक्ष में फैसला दिया। तो ये बातचीत करने से हुआ ना,